2022 की चुनावी जंग जीतने के लिए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक नया नारा दिया, नई हवा है, नई सपा है। और इस नारे के साथ ही उन्होंने एक और काम अब कर दिया। अखिलेश ने अपने पिता और सपा संरक्षक के MY यानी मुस्लिम यादव समीकरण को नई व्याख्या दे दी। अखिलेश यादव ने नई सपा के MY समीकरण में M का मतलब महिला और Y का मतलब युवा बताया है और अब इन दोनों को लेकर चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में सवाल उठता है कि नई सपा में आखिर क्यों MY समीकरण की परिभाषा बदली गई? इसे जानने से पहले मुलायम के MY समीकरण क्या था? मुलायम का MY समीकरण 1990 का दशक था, तब जनता दल से अलग होकर मुलायम सिंह यादव ने समाजवादी पार्टी का गठन किया था। इसके बाद सूबे में अपना सियासी आधार मजबूत करने के लिए MY यानी मुस्लिम यादव समीकरण बनाया था। UP में 20% के करीब मुस्लिम और 12% यादव मतदाता हैं, जिन्हें एकजुट कर मुलायम सिंह ने सपा का मूल वोट बनाया। इसी MY समीकरण के वोट बैंक ने सपा को बुलंदियां दी। मुलायम सिंह यादव से लेकर अखिलेश यादव तक सूबे की सत्ता के सिंहासन पर काबिज हुए। लेकिन 2014 के बाद मोदी केंद्र की सत्ता पर काबिज हुए तो मुलायम का MY समीकरण की राजनीति में पकड़ ढीली पड़ने लगी। तो ऐसा क्यों हुआ? इसका कारण ये है, BJP ने UP में मुलायम के इसी MY समीकरण को लेकर सपा पर निशाना साधा और गैर यादव OBC वोटों को अपने पाले में करने में कामयाब रही। सपा को पहले 2017 के चुनाव में इसका खामियाजा भुगतना पड़ा और अब 2022 के चुनाव में भी BJP यही नैरेटिव सपा के खिलाफ सेट कर रही है। ऐसे में अखिलेश यादव BJP के चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए MY समीकरण की नई परिभाषा गढ़ने का काम किया है। अखिलेश यादव सपा के मुस्लिम यादव वोट बैंक की राजनीति से दूर रहते हुए खुद को विकास पुरुष के रूप में पेश कर रहे हैं। वो अपने भाषणों और बयानों में मुसलमानों और यादव का कोई भी जिक्र नहीं करते हैं, बल्कि अपनी सरकार में कराए गए विकास कार्यों की बात कर रहे हैं। अखिलेश यादव BJP के हार्ड हिंदुत्व के जवाब में सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर चल रहे हैं। जानकारों का मानना है अखिलेश यादव MY समीकरण में M को महिला और Y को युवा से जोड़ा है ताकि BJP की ओर से सेट नैरेटिव को तोड़ा जा सके। अखिलेश ने मुस्लिम यादव के बजाय कुर्मी, पासी, कुशवाहा, चौहान या फिर दूसरी अन्य जातियों के नेता को नेतृत्व करने के लिए आगे बढ़ाया है। 2017 के चुनाव से पहले 30% के आसपास वोट पाने वाली पार्टियां सत्ता में आ जाती थी, लेकिन अब ये वोट का दायरा बढ़कर 40% के ऊपर हो गया है। BJP 2022 के चुनाव में 50% प्लस वोट का टारगेट लेकर चल रही है। ऐसे में अखिलेश भी अपनी वोट फीसदी को बढ़ाना चाहते हैं, जिसके लिए खुद को यादव और मुस्लिम तक बांधकर सीमित नहीं रखना चाहते। वैसे भी देखा जाए तो सपा के पास मुस्लिम यादव समीकरण तो है ही, लेकिन पिछड़ों में दूसरे वर्गों को अखिलेश ये समझाने की कोशिश में जुटे हैं। BJP के उसी नैरेटिव को चेंज करने में लगे हैं, जिसमें BJP साबित करने में लगी है कि सपा सिर्फ मुस्लिम और यादवों की पार्टी है, जबकि अखिलेश BJP की इस चाल को समझ बैठे हैं। इसीलिए बहुसंख्यक समाज को ये समझाने की कोशिश में है कि वो उनकी पार्टी न सिर्फ मुस्लिम यादवों की पार्टी है, बल्कि सर्व समाज की पार्टी है। इसीलिए वो MY की परिभाषा मुस्लिम यादव के बजाय महिला और युवा बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश की सियासत में युवा और महिला वोटर निर्णायक भूमिका में है। यूपी में कुल 14.40 करोड़ मतदाता हैं। इसमें 7.79 करोड़ पुरुष और 6.61 करोड़ महिलाएं हैं। युवा 35% वोटर हैं। सपा ने 2022 की जंग फतह करने के लिए युवाओं से लेकर किसानों, महिलाओं और आम लोगों को जोड़ने की रणनीति बनाई है। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव BJP की ओर से जनता के बीच सपा के लिए बनाई धारणा को तोड़ रहे हैं। इसीलिए महिला और युवा समीकरण की बात कर रहे हैं।